लड़की लोग निकल गया तो हम लोग भी रुके। कंट्रोल सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शोदीप और एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं आप सबके साथ। और जबकि मैं अभी हूं पुणे में, तो आज मैं कवर करने वाला हूं दो डेस्टिनेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी पुणे पे हूं, तो पुणे का जो फेमस प्लेस है उनमें से एक है जूलॉजिकल पार्क, राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क। तो हम आज पहले वहाँ जाएँगे और उसके बाद जाएँगे पुणे इस्कॉन टेम्पल पे। तो दोनों जगह का वीडियो आपको मिलेगा अलग अलग। तो पहले हम जाएँगे जूलॉजिकल पार्क, तो उसका वीडियो मिलेगा और उसके बाद मिलेगा आपको इस्कॉन टेम्पल का। तो दोनों अलग अलग रखा है मैंने, और तो हम जाएंगे एक ही दिन में, लेकिन आपको वीडियो अलग अलग मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, और ये मेरा एक क्या है मतलब छोटा सा सब्सक्राइबर है, तो ये मुझे फॉलो करते हैं। तो आज रास्ते में मुलाकात हुई, कैसा लगा मुझे मिलके? अच्छा लगा। अच्छा, तो बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चैनल को सब सब्सक्राइब करो और इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। यस बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। तो अभी मैं बस में जा रहा हूँ और ये बस थोड़ा है, और एक्चुअली पुणे में बहुत गर्मी चल रहा है अभी, मैं तो बिल्कुल गर्मी नहीं। और ये देखिए मेरे सारे दोस्त ये सब मेरे जा रहे हैं, ये है और ये मुझे ये और हाय करो, हाय पवित्र हो, हाय करो। तो ओके, जाने के बाद हम फिर से मिलेंगे। घंटे के बस जर्नी के बाद मैं एकदम पहुंच गया हूँ अपने डेस्टिनेशन पर, और सामने ही है रामा सकता हूँ। ये देखिए पीछे गए, तो अभी हम टिकट के उधर जाएंगे, ठीक रहेंगे, उसके बाद जाएंगे नाइस प्लेस। बहुत सारे स्नैक्स की दुकान है, बहुत सारे खाने पीने का ये देखिए दुकान है। तो आप ये देखकर आप अंदर जा सकते हैं, क्योंकि अंदर में कोई खाने पीने का दुकान नहीं मिलता है। तो सारा दिन घूमते घूमते आप मिल जाओगे, थोड़ा कुछ खाने को मिलेगा, अच्छा रहेगा खाते रहते। बहुत सारे दुकान है सामने, यहाँ से आप लोग कुछ भी लेकर अंदर जा सकते हो, क्योंकि अंदर कोई दुकान नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप सबको बताना है वो है यहाँ का टिकट प्राइस। यहाँ का टिकट प्राइस है 40 रुपीज़ पर पर्सन, एक पर्सन का है 40 रुपीज़। सच में यार बहुत अच्छी जगह है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देख सकते हैं पीछे बहुत भीड़ है आज से बेसिकली आज संडे है, पिछले संडे के दिन ज़्यादा भीड़ लग रहा है मुझे। वैसे दूसरे दिन क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन आज ज़्यादा ही भीड़ है। ये इससे मैं कुछ पूछने वाला हूँ अभी। कैसा लग रहा है यार? अच्छा लग रहा है। तो कैमरा इधर है तो कैसा लग रहा है शोदीप? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओके ओके, एंजॉय कर रहे हैं। और बाकी दो है पीछे है, वो लोग थोड़ा सा थक गए हैं तो बैठ गए। बाप रे बाप, ये ऊपर आ रहा है। इधर ए उधर चला गया। आएगा। ओ माय गॉड, अरे बाप, वेरी गुड। ताकत है और इधर की देखो। Oh my God! ये की है? सिंगो की घास का जा? आई बोल रहा हूँ ना, ये गुलो ही रखो मैं। मैंने इस सार्कासेर और चिड़ियाखाना सिंगो ही रखो। हाँ ये शाकाहारी है। इसको वेजिटेरियन बना दिया है यहाँ पे। देखो जू वालों ने बेचारे शेर को साथ गुजारा। मज़ा तो अब आ गया क्योंकि अब बारिश आ गया है। अब हम भीग रहे हैं, अब दौड़ रहे हैं और पता नहीं इस्कॉन जा पाएंगे या नहीं, इधर ही रुकना पड़ेगा। और 10 मिनट में पूरा बारिश आ जाएगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा भीग रहा हूँ मैं। दोस्तों कैसा लग रहा है ऐसे भीग के बारिश में भीग के आके ऐसे? आप कुछ बताएंगे? मेरे को कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं आता। आपको कैसा लगा? मैंने कुछ नहीं किया। तो आपको कैसा लग रहा है ऐसे बारिश में भीग के हुए हैं हम अभी? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा नहीं लग रहा? अरे वाह, अरे हम नीचे हैं। कैसा लग रहा है आपको बारिश में भीग के? बहुत अच्छा। और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भीग जाओ क्या? है। तो फाइनली बारिश ख़त्म होने के बाद, मतलब ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा अभी भी है, लेकिन फिर भी हमें जाना पड़ेगा जल्दी, तो इसलिए हम निकल गए। और एक्चुअली गाइड बात यह है कि लड़की लोग निकल गया तो हम लोग भी रुके। कंट्रोल। तो इस मौसम में हम सबको एक गाना याद आ रहा है, वो बंगाली फेमस गाना है, तो हम सब गाएंगे एक साथ। याद आ? इधर आओ। रिम झिम धाराते चाय मन हलाते জাগে কত বৃষ্টি যে ভিজেছি শ্রাবণে জাগেনি তো এত আশা ভালোবাসায় মনে এখনো জাগেনি एक्चुअली এখনো জাগেনি তুমি ধারাতে চাই মন হারাতে সাইবা ও সাইবা সাহেবা ও সাহেবা पर मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कितना प्यार है हमें मिलेंगे तुमसे तो हम बताएंगे कि कितना प्यार है हमें ओ साहिबा। बरसात के मौसम में तन्हाई की आलम में उसके बाद बरसात निकल आया बोतल भी उठा लाया हाथी है ये हाथी दिख नहीं रहा है, हाथी अंदर घुस गया है एक्चुअली बारिश की वजह से वो लोग भी अंदर ही चले गए दिख नहीं रहे हाथी। ठीक है इतना ही था ठीक है वीडियो में आए हुए हैं। अच्छा हाँ। तो ये मेरे नए सब्सक्राइबर है, अभी भी इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बोल दीजिए मेरे दूसरे मतलब ऑडियंस को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ओके यस 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 कमेंट एंड शेयर। ओके थैंक यू नाइस टू मीट यू बाय बाय। तो जू हमने पूरा घूम लिया है तो अब जू घूमना हो गया है तो अभी जाएंगे इस्कॉन टेम्पल में तो जो पास ही है थोड़ा सा तो लेकिन ये इस्कॉन का वीडियो जो है वो आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगा, आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेकिन देखिए क्योंकि मैं अगर दोनों डेस्टिनेशन का वीडियो एक ही वीडियो में अपलोड करूँगा तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अभी कहते हैं टाटा बाय बाय और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय बाय।